नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी को एक और बड़ा झटका लगा है। शरद पवार के एक और नेता पर ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया है। हाल ही में बीजेपी से एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से, जो कि एक दिग्गज नेता है महाराष्ट्र में, उन पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। उन्हें ईडी दफ्तर में पेश होना पड़ा और साथ ही उनकी बेटी शारदा चौधरी खड़से भी हाल ही में ईडी के दफ्तर पहुंची, उनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला एक पुणे के पास भोसारी इलाके में एक भूमि सौदे से जुड़ा हुआ है और उसी सिलसिले में उन दोनों से पूछताछ की गई है। ईडी का यह दावा है कि एकनाथ खड़से ने, जब वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री पद पर थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं फायदा लिया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। ये जमीन जिस सिलसिले में उनसे पूछताछ ईडी कर रही है, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अवैध रूप से उन्होंने ये हासिल की है। तो इसी सिलसिले में ये पूरी पूछताछ की गई है। ईडी का कहना है कि 2 लाख में उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, लेकिन जब उन्होंने बेची तो 7 करोड़ में ये जमीन बेची है। इसी पूरे सिलसिले में ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता थे और 2014 में देवेंद्र फडणवीस सरकार में इन्हें राजस्व मंत्री का पद मिला। चूंकि भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे और कई आरोपों के बाद इन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। जब वो बीते साल अक्टूबर महीने में एनसीपी में शामिल हुए, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर शिवसेना जो भाषा बोल रही है, उसी पद पर वो चलते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल केंद्र सरकार के कहने पर ही ईडी ये काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें कहा था कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो वो ईडी को उनके पीछे लगा देगी, लेकिन मामला 2016 का है। आपको बता दें, 2 लाख में उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, लेकिन 7 करोड़ में बेची है, ये पूरा मामला है और लगातार ईडी इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी का ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल जो वो 7 करोड़ में उन्होंने जमीन बेची है, वो जो पैसा है वो अपने परिवार के जो फर्म है उनमें ही उन्होंने ट्रांसफर किया है। इस पर एकनाथ खड़से ने कहा है कि मेरे परिवार ने पुणे के करीब जो जमीन खरीदी थी, जिसे बाद में ये कहा गया कि वो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जमीन थी, लेकिन ये एक विवादित भूमि है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी पत्नी ने ये जमीन खरीदी थी और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी साफ तौर पर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन भाषा वही बोल रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार शिवसेना बोल रही है। आपको बता दें, लगातार जो शिवसेना के नेता अभी तक ये दावा कर रहे थे कि ईडी दरअसल उन पर केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन वही शिवसेना उन्हीं के नेता और उन्हीं के परिवार वाले अब कहीं ना कहीं उन बातों का सबूत देते नजर आ रहे हैं। आज शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, उनकी पत्नी ने जो 55 लाख का जो लोन लिया था, वो 55 लाख रुपए वापस कर दिए हैं, तो सबूत भी सामने है। वही भाषा एकनाथ खड़से भी बोल रहे हैं कि दरअसल उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ईडी लगातार उनसे ये पूछ रही है कि आखिर 2 लाख में जो जमीन खरीदी थी, वो 7 करोड़ में कैसे बेची गई और वो पैसा कहां गया। तो इसी मामले में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, जब एकनाथ खड़से 2014 में देवेंद्र फडणवीस वाली सरकार में राजस्व मंत्री थे, तो उन पर तमाम ये आरोप भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप तभी लगे थे और इसी सिलसिले में उन्होंने 2016 में अपना इस्तीफा भी दिया था। जिस 3 एकड़ जमीन से जुड़ा ये मामला है, वो अप्रैल 2016 में जमीन खरीदी गई थी और अप्रैल 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एकनाथ खड़से के खिलाफ केस दर्ज किया था। उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनके दामाद गिरीश चौधरी के खिलाफ भी केस किया गया था। कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हेमंत गवांडे नाम के एक शख्स ने यह शिकायत दर्ज की थी, तभी यह केस दायर किया गया था, जिसमें हेमंत ने यह दावा किया था कि खड़से ने पुणे के करीब जो जमीन खरीदी है, दरअसल वो फ्रॉड है, उसमें उन्होंने फ्रॉड किया है और उसके बाद से लगातार यह केस चल रहा है। अब जब खड़से एनसीपी में शामिल हो गए हैं, तो जाहिर है ईडी अब उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है और इससे एनसीपी की मुसीबत भी बढ़ती नजर आ रही है, कि जो कि एकनाथ खड़से हैं एक बड़े नेता हैं और अब एनसीपी में कहीं ना कहीं एक कद भी बढ़ चुका है। ऐसे में शरद पवार को भी बड़ा झटका लग सकता है। पहले ही ईडी लगातार महाराष्ट्र सरकार के तमाम नेताओं पर शिकंजा कसे हुए है।
अवैध संपत्ति रखने के मामले में कई नेताओं से पूछताछ की जा चुकी है, उसमें महाराष्ट्र सरकार के कई नेता हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार के या यूं कहें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी हैं, जिनसे जिनकी पत्नी से संपत्ति के मामले में ईडी लगातार छानबीन कर रही है। तो तमाम बड़े वो नाम हैं महाराष्ट्र सरकार में जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं या फिर लगातार बड़े पदों पर हैं, तो उस पर अवैध संपत्ति रखने के मामले में ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और एक महाराष्ट्र सरकार ने अपना एजेंडा बना लिया है कि दरअसल अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ करेंगी तो जाहिर है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हुए ही करेंगी, और इसी को लेकर लगातार वो बयानबाजी करते आए हैं। लेकिन झूठ भी हर एक मौके पर बेनकाब हुआ है। बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में किरीट सोमैया लगातार जो महाराष्ट्र सरकार है उनका झूठ बेनकाब करते नजर आए हैं। उन्हें इससे पहले कई तमाम बड़े नेताओं का नाम सामने लिया है आया है कि किस तरीके से उन्होंने अवैध संपत्ति हासिल की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसके सबूत भी वो समय समय पर सामने रखते आए हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से अब एकनाथ खड़से पर ईडी ने शिकंजा कसा है, तो जाहिर है अब ना सिर्फ एनसीबी बल्कि शरद पवार की मुश्किलें भी पड़ सकती हैं, क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से पहले जिस तरीके से पार्टी की छवि लगातार खराब हो रही है, फिर चाहे वो शिवसेना हो या एनसीपी हो या कांग्रेस हो, तो तमाम तरीके से मुसीबत जो है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। और अब एक के बाद एक नेता अलग अलग मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं, कोई ईडी के सिकंजे में है तो कोई एनसीबी किसी पर रेड लगा रही है। तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो हर एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार में जो नेता बैठे हैं उनकी छानबीन जारी है, और उसी में ही एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर इन नेताओं ने अपने पद का किस तरीके से दुरुपयोग किया है, और सिर्फ अपना फायदा नहीं किया है बल्कि अपने परिवार अपने रिलेटिव्स को किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा मुनाफा उनके रहते कमाया गया है, उस पर भी एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। तो एकनाथ खड़से जो कि एनसीपी के नेता हैं वो साफ तौर पर इस जमीन सौदे से डायरेक्ट लिंक होने की बात से इनकार कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो ईडी की जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईडी पर लगातार हमलावर हैं और ईडी के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका ये एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से हो या फिर इनके ही पार्टी के प्रमुख शरद पवार हो नहीं छोड़ रहे हैं। ईडी के जरिए केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, लेकिन फिलहाल ईडी जिस तरीके से महाराष्ट्र में छानबीन कर रही है और लगातार एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार के तमाम बड़े नेताओं पर जिस तरीके से जांच के घेरे में वो आ चुके हैं, उसके बाद सवाल एक बड़ा ये है कि दरअसल इन तमाम नेताओं ने जनता की सेवा के लिए जो पैसा आया था उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया है, अपने पद पर किस तरीके से वो पहुंचे हैं, तो तमाम तरीके से अब घिरते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बेहद गरमाई हुई है। बीएमसी के चुनाव है लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है जिसमें एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस पार्टी है, और तीनों ही पार्टियां किसी ना किसी मुद्दे पर हर रोज आमने सामने दिखाई देती हैं। कांग्रेस पार्टी जो है शिवसेना पर हमला होती नजर आती है, तो वहीं शिवसेना और एनसीपी की मुसीबत यह है कि उन दोनों ही पार्टियों के तमाम नेता कभी ईडी के जांच के घटकरे में आते हैं तो कभी सीबीआई उन पर नकेल कसती है। तो हर तरीके से हर रोज एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, और ये बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो एनसीपी के नेता नवाब मलिक हो या एनसीपी के ही नेता धनंजय मुंडे हो जो कि वहां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद पर बैठे हैं, और अब नाम एकनाथ खड़से का आया है जो कि खुद एक बड़े नेता हैं एनसीपी के, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को छोड़कर एनसीपी को ज्वाइन किया है, एक दिग्गज नेता हैं। लेकिन ये तमाम नेता अब कटघरे में हैं, तो जाहिर है एनसीपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में चुनावों से पहले है। दूसरी ओर बात अगर शिवसेना की जाए तो शिवसेना खुद ही पहले बीएमसी बैंक घोटाले में उनके तमाम बड़े नेताओं के नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो चारों ओर से महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है, तालमेल बैठाने की कोई कोशिश तीनों ही पार्टियों के बीच नहीं हो रही है। तमाम अलग अलग मौकों पर तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आती हैं, लेकिन अब मामला चूंकि ईडी और सीबीआई एनसीबी से जुड़ा हुआ है तो जाहिर है ये तमाम पार्टियां केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन फिलहाल ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं और इन्हें जांच करने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे ये तमाम जो पार्टी के नेता हैं ये आरोप भले ही 100 लगा लें
लेकिन आपको बता दें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने तमाम आरोप ईडी पर लगाए थे। जिस तरीके से ईडी उनकी पत्नी को उनका समन भेजा था पीएमसी बैंक घोटाले में, लेकिन सबूत सामने हैं कि आखिर किस तरीके से झुकना ईडी के सामने उन्हें पड़ा है और 55 लाख रुपए जो वापस किए गए हैं वो सबूत सामने हैं कि आखिर किस तरीके से ईडी जांच कर रही है। और अब लगातार जो शिकंजा है वो कसे हुए है, फिर चाहे कितने भी आरोप ये तमाम नेता ईडी पर लगा लें, सीबीआई पर लगा लें या एनसीबी पर लगा लें, तो जांच लगातार जारी है और एक के बाद एक तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब नाम एकनाथ खड़से का है जो कि दिग्गज नेता है एनसीपी के, और इससे शरद पवार भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका, क्योंकि माना जा रहा है चुनाव है, ऐसे में अगर इतने बड़े नेताओं का नाम सामने आता है तो जाहिर है कहीं ना कहीं जनता वोट करने से पहले 100 बार सोचेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।